हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की, वो इस वक्त किस एनर्जी में है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए और वो क्या आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया अगर इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सजमिट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मैं कल से प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रही, तो कुछ इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह ये जल्दी ही हल हो जाएगा, तो आप लोग को वीडियोस टाइम पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलें। ये वीडियो भी शायद आपको आज मिल जाए, हो सकता है आज मिल जाए। मेरी पूरी कोशिश है ये वीडियो मैं आज आप लोग के लिए अपलोड कर दूँ, और अगर नहीं मिलती तो ये आपको कल मिलेगी। ठीक है, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन प्रॉपर वीडियो मैं डाल नहीं पा रही हूँ, इस बात को प्लीज़ समझें। अगर मेरे लिए पॉसिबल होता तो वीडियोस तैयार है मेरे मोबाइल में और अपलोड नहीं हो पा रही। ठीक है, चले। अच्छी, हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में है? ठीक है, ओवरऑल आपके पर्सन की एक पर्सनल सेल्फ की एनर्जी क्या है, हम वो चेक करेंगे। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, वो इस किस एनर्जी में है। अट्रैक्टिव है, एक अट्रैक्शन उनको आपकी तरफ बेहद फील हो रही है। ठीक है, ओवरऑल जो उनका एक पर्सनल सेल्फ है वो आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है। वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पार्टनर। हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ हुआ हो। बिल्कुल, आप मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पावर में हैं और अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं मैथ से दूर रहना, ड्रामा से दूर रहना और आगे की तरफ, काम और ऑर्डर की तरफ मूव करना। ठीक है, आप यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन का अगर बस चले तो वो आपको एक पीसफुल जगह ले जाएं अपने साथ। मतलब कि एक पीसफुल वो रेजोल्यूशन चाहते हैं। अगर आप लोग के बीच कुछ यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी है, किसी ने यहाँ पर किसी की वजह से डिस्टर्ब हुआ रिलेशनशिप, कोई थर्ड पार्टी इंटर हुई, या तो यहाँ पर कोई किसी की फैमिली इशू, या इस पर्सन का कोई फाइनेंशियल इशू, मतलब कि जो भी इशू रहा है, ये पर्सन चाहता है ये आपके साथ आगे बढ़े और आपको कहीं और ले जाए, किसी और तरफ दूर ले जाए। ठीक है, चलें। ये पर्सन अट्रैक्टिव है फिलहाल। ओवरऑल आपकी एनर्जी इस पर्सन की ये है कि पर्सनल सेल्फ की, ये आप में बेहद इंटरेस्ट ले रहा है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है? टू ऑफ कप्स। देखिए, आप में ये पर्सन एक खिंचाव फील कर रहा है। ठीक है, एक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहा है। ये एक अपना सोल टाइप महसूस कर रहा है। कार्मिक नहीं, सोल, सोलफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक सोल से कनेक्टेड रिलेशनशिप फील कर पा रहा है आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत ज़्यादा खुद को बिजी रख रहा है, अपने आप से एक जंग में है, अपने आप से एक आर्ग्यूमेंट, अपने आप से एक फाइट कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि इसका दिल दिमाग आपकी तरफ खिंच रहा है और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी रख रहा है। देखिए, यहाँ पे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो इस तरफ रुख कर रहे हैं, और ये पर्सन जानबूझ के इन पेंटिकल्स को पकड़ के बैठा हुआ, इन पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है। इसकी सोच, इसका इसका बिल्कुल एक इसका जो एक इनर इनर जो इनर पीस है ना, वो आपके साथ है। ठीक है, इसका जो इनर पीस है, जो इसका मेंटली पीस है, वो आपके पास है। चाहे जितना पैसा कमा ले, चाहे अपनी लाइफ में जितनी सक्सेसफुल लाइफ बना ले, पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, जितने भी गोल्स अचीव कर ले, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ खिंच रहा है, बेहद खिंच रहा है। आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको मैनिफेस्टेशन जानता है या नहीं जानता है, आपको याद इतना कर रहा है कि आप ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है, एक स्टकनेस वाली पोजीशन है। अगर यहाँ पर इस सिचुएशन में कुछ डिस्टर्बनेस है भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है पर्सन कहीं और मूव कर रहा है, नहीं, ये स्टक है, आपके बारे में सोच रहा है, आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा, और बिन जाने अनजाने में आपको एक मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में एक मैनिफेस्टेशन वाली पावर है। कोई टावर मूवमेंट है आप लोगों के बीच, कुछ ना कुछ हुआ हुआ है आप दोनों के बीच। वहाँ पे पहले मैंने देखा था थ्री ऑफ सोच, बिल्कुल सर्च सर्चिंग स्टॉकिंग की एनर्जी, ये पर्सन स्टॉक सर्च कर रहा है आपको कहीं ना कहीं से। बिल्कुल, बहुत मेहनत कर रहा है ये अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने आप को बिजी करके रखा हुआ है इसने, ताकि ये आपके बारे में ना सोचे।
ये बार बार आपके बारे में ना सोचे, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है इस पर्सन की, एनर्जी में टोटली आप नजर आ रहे हैं, इसके एक पर्सनल सेल्फ में भी आप नजर आ रहे हैं। उसके बाद इसका दूसरा फोकस है अपना कैरियर, ठीक है, और कैरियर अपना काम, इसलिए और भी ज्यादा अपने आप को इसने बिजी कर लिया ताकि आप याद ना आए, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर अभी अवेलेबल नजर नहीं आ रहे, आप लोग एक साथ नहीं है, ये आपके पर स्टक है, कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, ये आपको अपनी जिंदगी में वापस मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। देखते हैं इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं सर, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं सर, लेट्स सी। देखिए थ्री ऑफ सोर्ड फिर आ गया, हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, बेहद परेशान है आपके दूर होने से, इसको बहुत ज़्यादा पेन है, कुछ आप दोनों के बीच हुआ, ये आप दोनों की फीलिंग्स में आया, पहले मुझे लग रहा था कोई हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, ये पर्सन कहीं से हर्ट है, कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन ये हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आपकी तरफ से ऐसा हो सकता है, आप पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करें या कुछ आप लोग की मिस आर्ग्यूमेंट हुई है, आप लोग की मिस कम्युनिकेशन हुई है कोई, जिसकी वजह से पर्सन आपकी वजह से हर्ट है, आपके अल्फाजों की वजह से हर्ट हो सकता है, आपके आपके कम्युनिकेशन जो आपने लास्ट टाइम करी उसको याद करता है और एक हर्ट पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है। ये पर्सन आप दोनों को एक होने की एक विश समझता है, मतलब कि इस पर्सन के दिल में एक विश है कि हाँ आप दोनों एक साथ आएंगे, एक होप है कि हाँ आप लोग की लाइफ एक साथ होगी, आप लोग आगे की जिंदगी एक साथ एक्सपेंड करेंगे, आप लोग फर्दर फ्यूचर में एक साथ रहेंगे, ठीक है, ऑल टुगेदर, ऐसी वाली एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ लंबी जर्नी पे जाना चाहता है, आपके साथ अपने अब आने वाले जितना भी इसका वक्त है ये आपके साथ गुजारना चाहता है, इसकी विश है ये, ठीक है। पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कॉइन के साथ ये पर्सन बेहद एक अपने मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस है और ये कुछ आपको गिफ्ट देना चाहता है, इतना मेहनत कर रहा है, कुछ आपको वैल्यूएबल देना चाहता है, ठीक है। कुछ पेज ऑफ कॉइन की एनर्जी, मतलब कि आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है। यहाँ पे फिर आ गए सिक्स ऑफ सोर्ड, ये आपके साथ आगे मूव करना चाहता है कम ऑर्डर की तरफ, इसको मौका मिले ये आपको कहीं ना कहीं लेकर जाए वर्ल्ड। आप इसकी लाइफ में इर्द गिर्द घूमते हैं, एक इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब कि आप इसकी लाइफ में बिल्कुल जो आपने इसको कवर करा हुआ, इस पर्सन को ऐसा लगता है इसकी दुनिया सिर्फ आपकी सोचों के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए ये हैंगमैन के साथ बहुत ज़्यादा हैंग है और एक रियलाइजेशन का फेज है और बहुत समझने का फेज है, लेकिन इसका इसकी इसका सब कुछ, इसका सोच, इसकी समझ, एक एक इसका हर चीज़ इसके आपके आगे पीछे घूम रही है, ठीक है। ये बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, वर्ल्ड का कार्ड है एम्प्रेस, ये पर्सन ऐसा हो सकता है यहाँ पे कोई मदर फिगर का इशू हो, ये पर्सन जो आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स के साथ मुझे कोई मदर यहाँ पर, किसी की फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व नज़र आ रही है, ऐसा हो सकता है किसी मदर की वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, और जो भी इसने पास में किया हो किसी और के साथ, किसी और को डेट किया हो, जो भी कुछ आपके सामने आया मुझे, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लग रहा है कोई लविंग रिलेशनशिप के लिए कोई थर्ड पार्टी रही जिसकी वजह से शायद कुछ आपके सामने आया, आपने कुछ इस पर्सन को बोला, लेकिन ये ओपन अप होके आपकी तरफ इसलिए नहीं आ पा रहा उस थर्ड पर्सन की वजह से नहीं, वो इसके लिए सिर्फ एक फ्लर्ट एंड फन आने जाने वाली चीज़ थी, आप एक परफेक्ट और एक वाइफ या हस्बैंड मटेरियल पर्सन है, लेकिन आपको जो ये स्टेबल स्टेबिलिटी देना चाहता है उसमें इसकी कोई, इसके कोई घर वालों का रोल है, ठीक है, इसकी कोई फैमिली का रोल है, ये उसकी वजह से तो कुछ नहीं, उसकी वजह से सिर्फ आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आई, लेकिन जो मेन इशू है आपकी तरफ ना आने का वो कोई फैमिली इशू लग रहा है, और इसकी कोई मदर का बहुत बड़ा मुझे यहाँ पर रोल नज़र आ रहा है इस पर्सन का, ठीक है। आपको कोई स्टेबल और कमिटेड ऑफर देने में कोई है जो नहीं चाहता या कोई है जो कंट्रोल करता है इस पर्सन को के अपनी मर्जी से करने के लिए, ठीक है, अपनी जैसे जिस तरीके के ये हैं, या तो अपने ही कल्चर, अपनी ही जगह, अपने ही लोगों में कोई मैरिज या कमिटमेंट करना चाहते हैं कोई इसके पेरेंट्स, लेकिन जो आप लोग ही जो चीज़ें ख़राब हुई वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, वो किसी और थर्ड पर्सन की वजह से हुई है, लेकिन थर्ड पर्सन इतना वैल्यूएबल नहीं था जितने आप हैं, ठीक है, जितनी वैल्यू पर्सन आपको देता है, चाहे आप इंटरनली जो आपको बताए या ना बताए, ठीक है, जितना वैल्यू ये पर्सन आपको देता है इतना किसी को नहीं देता। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जब से आप इसकी लाइफ में आए इसकी लाइफ का लक फॉर्च्यून हुआ है, इसकी इसका लक राइज हुआ है, इसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देखी, इसकी ज़िंदगी ने एक न्यू बिगनिंग करी थी जब आप इसकी ज़िंदगी में आए थे, जब से और आपका और इसका साथ जुड़ा है इसने बहुत ज़्यादा तरक्की और कामयाबी, एक सक्सेसफुल लाइफ रही है इस पर्सन की। अब ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है, ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, ये पर्सन आपसे क्या चाहता है,
आप लोग के बीच कोई लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है बहुत ज्यादा, आप लोग एक दूसरे के एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, पर्सन आपसे चाह रहा है हेरोफेंट, आप बहुत ज्यादा विजडम वाले पर्सन है, आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर यहाँ पर एक्शन ले ही, मतलब कि आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करिएगा। आपके पर्सन चाहते हैं आप यहाँ पर कुछ ऐसा कोई गलत फैसला ना कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में आप दोनों को रिग्रेट हो, बाद में आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है, चलें, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है या तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, या तो आप अपनी उम्र से ज़्यादा मिच्योर हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली डिसीजन मेकिंग करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अभी प्रेजेंट के हालात देख कर कोई ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा जो बाद में आप दोनों को रिग्रेट हो, इस पर्सन को भी और आपको भी, आप दोनों के बीच ये दूरियाँ मतलब कि परमानेंट ना आ जाए। मुझे इस कार्ड से, 5 ऑफ कॉइन से ये एनर्जी मिल रही है कि यहाँ पर बिल्कुल आप वॉक अवे, इस पर्सन को डर है आप इसकी लाइफ से कंप्लीटली वॉक अवे ना कर दें, किसी और को चूज ना कर लें। वही मैसेज देखें, 10 ऑफ कप्स, आप किसी और को चूज ना कर लें, आप किसी और के साथ मैरिज ना कर लें, कमिटमेंट ना कर लें, किसी और के साथ न्यू बिगनिंग और स्टार्ट ना कर लें। इस पर्सन को इस चीज़ का डर है कि आप यहाँ पर अभी मौजूदा हालात को देखकर, ये जो आप लोग की प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंटली जो आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है, उस चीज़ को आप एब्जॉर्ब करते हुए इस सिचुएशन से वॉक अवे ना कर जाए कम्प्लीटली। ठीक है, और किसी और के साथ आप कोई फैमिली और अपनी लाइफ में किसी और को इन्वॉल्व ना कर लें, किसी और को आप कमिटमेंट ना दे दें, किसी और को यहाँ पर आप कोई कोई किसी की ऑफर एक्सेप्ट ना कर लें, या किसी को कोई कमिटमेंट ऑफर ना दे दें। मतलब कि ये पर्सन इस तरीके से सोच रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत इन्वेस्ट किया आपने यहाँ पर, ये जो आप इस डिसीजन मेकिंग पे आए, बहुत वेट और बहुत पेशेंस रख के बहुत समझदारी से आपने इस रिश्ते को चलाया। जब ये आपकी सोच और समझ से बाहर हो गया, जब आप फेड अप हो गए, आपके पाँव से ज़्यादा जब दिल थक गया, जब आपने यहाँ से वॉक अवे करा, ठीक है, ये पर्सन जानता है कि आपने अपना बेस्ट यहाँ पे 100 नहीं 200% आपने यहाँ पर अपना दिया है, आप जब वॉक अवे कर रहे हैं ये आपका राइट है, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप यहाँ पर विजडम से एक्ट करें, आप अपनी इंट्यूशन को सुने, आप इस ये जो अभी चल रहा है आप इस चीज़ को मत सोचे। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं, प्लीज एडजस्ट एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के पर्सन, मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अपना हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझता है। ठीक है, ये पर्सन चाहता है कि आपकी और द लवर, मतलब कि आप और ये पर्सन एक लवर हैं, ठीक है, एक कंप्लीट पार्टनर हैं, एक कंप्लीट, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आप एक दूसरे के लिए बने, एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पे लवर है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, ये पर्सन चाहता है आप क्लियर हो जाए अपने पार्टनर के लिए, और ये पर्सन इस डर से, एक स्लीपलेस नाइट में से गुजर रहा है, ये चाहता है आपसे एक रिकंसाइलेशन, एक लविंग रिलेशनशिप, एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, लेकिन इसको नहीं पता, इन सब के बीच में ये चाह ये रहा है लेकिन ये एक्ट नहीं कर पा रहा, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है ये, और अकेलेपन से गुजर रहा है। इसको नहीं पता कि आप यहाँ पर किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेकर जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये पर्सन नहीं जानता, क्योंकि इसने पास्ट में आपको रिजेक्शन दी है। ऐसा हो सकता है 4 साल तक आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कोशिश करी इसको बनाने की, ठीक है, किसी की 6 ईयर्स तक आपने करी, किसी की 5 ईयर्स तक आपने करी, और किसी किसी की 9 ईयर भी रहे। ठीक है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपकी तरफ, प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का आपकी तरफ क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है, इस पर्सन का क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है आपकी तरफ, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव। ये पर्सन अभी भी दो दो चीज़ों में है, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, सोच रहा है आपके बारे में, इसका इसी कनेक्शन के ऊपर, इसके ऊपर ही ध्यान है, और हर्मिट के साथ ये आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुद भी साइलेंट है, खुद भी यहाँ पर डीप डीप एनर्जी में, एक वॉकिंग अवे सिचुएशन, ये पर्सन देख रहा है कि आप जा रहे हैं, ये पर्सन अकेला है और मिस कर रहा है आपको, ये कोई कुछ एक्ट नहीं कर पा रहा, पास में आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई, बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है, ये पर्सन आपको जाता हुआ देख रहा है अपनी लाइफ से, इसको नहीं समझ में आ रहा क्या करे, आप दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया है, आप भी अकेले हैं, ये पर्सन भी अकेला है। ठीक है, आप भी सोच रहे हैं, ये पर्सन भी बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपसे ज्यादा ये पर्सन सोच रहा है,
ये, क्योंकि अब इसको ऐसा लगता है ये इसी के हाथ में है कि अगर ये आपको रोकना चाहता है तो रोक ले, अब आप अपनी मर्जी से वापस यहाँ नहीं आने वाले। आपने जितना अपना यहाँ पर टाइम, वक्त, एफर्ट सब कुछ देना था, अपना प्यार, वो आपने दे दिया, अब आपकी इनफ हो चुकी है। अगर ये आपको रोकना चाहता है तो इसको यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, स्टेप लेने के लिए कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। अब ये टाइम है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इस रिश्ते को अब इसको फ्यूचर में ही देखना चाहता है या नहीं। ये पर्सन ये बात समझ चुका है आपके बिहेवियर से, आपने इस पर्सन को अपने बिहेवियर से ये बात समझा दी है कि अब आप इस रिश्ते को फ्यूचर में देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप रिस्पॉन्स करो, यहाँ पर आप एक्ट करो, यहाँ पर आप एक्सप्रेस करो, ठीक है। आपने ये बात अपने बिहेवियर से इस पर्सन को समझा दी है बहुत अच्छे तरीके से। ये पर्सन ये बात समझ चुका है, बहुत ज़्यादा दो राय में खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये अपना सोच सोच कर टाइम बर्बाद कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक्ट नहीं कर रहा, अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बंधा हुआ फील कर रहा है पर्सन। इसको नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या करना चाहिए। फाइव ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहा है, रिग्रेट से गुजर रहा है, डेथ, इस पर ये रिश्ते को एंड नहीं करना चाहता। इस एंडिंग के खौफ से, या आपके जाने के खौफ से बेहद परेशान है, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एट ऑफ सोट की एनर्जी है, एक बहुत पेन में, मैं आपको इतना वर्ड्स में नहीं बता सकती। देखिए मून की एनर्जी है, बहुत फेयरफुल चीज़ें चल रही हैं, इसको नहीं पता यहाँ पर डेथ है, इसको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, और फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहा है, ये नहीं जानता किस तरीके की सिचुएशन है, अब आगे क्या होगा, ये कंडीशन कौन सा रुख लेगी, ये नहीं सोच रहा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। ये इतना आपके बिहेवियर से समझ चुका है, अब आप ऐसे वापस नहीं आने वाले। अगर ये आपको लाना चाहता है तो यहाँ पर एक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इसको रोकने के लिए कुछ एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पर आपके सामने आना पड़ेगा, एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है, आपको रोकने के लिए। ये पर्सन कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ आने के लिए, क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेगा? प्लीज एंड जस्ट एंड स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर की तरफ? क्या ये पर्सन कुछ एक्सप्रेस करेगा? क्या ये मेरे व्यूवर के लिए आएगा सामने? सक्सेस चाहता है इस रिश्ते में ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, जितना ये एक अकेलेपन से, डिप्रेशन से, जितना एंजाइटी से गुजर रहा है, ये एकदम ही कोई डिसीजन मेकिंग बनाएगा बिल्कुल आपके लिए, ठीक है। आपको टेक्स्ट कॉल करने का, लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा मैसेज में क्या लिखे आपको, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स और नाइन ऑफ कॉइन्स, आप इस पर्सन को सिंगल दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। ये पर्सन नहीं चाहता आप किसी के भी साथ, कोई भी आपको अपनी लाइफ में ले, मतलब कि आप इसके हैं और इसके ही हैं, आप दोनों के बीच एक सक्सेस आनी चाहिए। ये पर्सन आपको चाहता है, टेन ऑफ सोड, ये इस नो कांटेक्ट को, इस नो कम्युनिकेशन को एंड करेगा ये पर्सन बिल्कुल। ये होप रखता है इस रिश्ते में कुछ ना कुछ बिगनिंग होने वाली है, कुछ ना कुछ स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है। टेन ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन कोई ना कोई आपके लिए एक्शन जरूर लेगा, कोई मैसेज लिखना चाहेगा और कन्फ्यूज रहेगा आपको क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव दे, आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करे, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन साइलेंट है और अपना हाइपोसिस के साथ साइलेंट है। ये पर्सन अपना प्यार, अपना इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइड कर कर बैठा हुआ है, आपसे इसके बारे में कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, ठीक है। स्टॉकिंग सर्चिंग चल सकती है, स्टॉकिंग सर्चिंग कोई कर रहा है इस पर्सन को, या तो कोई समझाएगा भाई एक्ट करो, अब यही है कि अब बहुत हो गया, या तो यहाँ पर इस चीज़ को जाने दो, या तो यहाँ पर अब इस चीज़ को चाहते हो तो यहाँ पर इस चीज़ को, इस पर्सन को मतलब कि रोक लो, अपनी तरफ से जाओ और एक्सप्रेशन ऑफ लव दो, या तो इसको खोने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। किसी को अपनी बात ये बता रहा है, कोई इसको इसी तरीके से गाइड करेगा, जब ये किसी से खुलकर बात करेगा तो कोई सामने वाला इसको गाइड कर रहा है। अभी भी सिचुएशन में होप है, अपनी तरफ से अगर एक्शन लोगे, कोई स्टेबल ऑफर देते हो, अगर ये सीरियस हो इस कनेक्शन में, तो इसको सीरियस तरीके से अप्रोच करो, ठीक है। तो ये पर्सन इस बात को समझेगा जरूर, जिसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, जिसके साथ भी जुड़ रहा है, वो इसको गाइड कर रहा है। साइलेंट है, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है, कप ऑफ लव लेकर बैठा हुआ है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। इस पर्सन के पास ऑफर्स हो सकते हैं, लेकिन इसको कोई भी आपसे बेहतर, आपसे अच्छा ऑफर कोई भी समझ में नहीं आता, किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, खूबसूरत देख रहा है, आपकी लाइफ में स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी ग्लो कर रही है, और आप अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, किसी भी प्रैक्टिकल, किसी भी एक स्टेबल ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये पर्सन इस बात को समझ रहा है, अगर ये आपको ये ऑफर ये आपको दे देता है तो आप इसकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस क्या है। ये कार्ड हमारे बहुत प्यारे हैं, चलें
डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है प्लीज, एंड जस्ट एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से। ओके बर्डन, आप बहुत ज़्यादा बर्डन सब में रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपने बहुत बर्डन एनर्जी रही है आपकी, सेक्सुअल एनर्जी, यहाँ पर पर्सन आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आना चाहता है। रिट्रीट, यहाँ पे कुछ रीयूनियन रिट्रीट होने वाला है, आप यहाँ पर परेशान मत हो, क्रिएटिविटी कुछ कुछ न्यू क्रिएट होने वाला है यहाँ पर इस रिश्ते में, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है आप अपने साथ साइकिक डेवलपमेंट, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं आप उनके साथ काम करें। अबंडेंस, आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, आपकी तरफ पॉजिटिविटी आ रही है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे आप बर्डन सम सिचुएशन से आज़ाद हो रहे हैं, ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप कोई सुपरफिशियल कोई ऐसा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहाँ पर कुछ भी स्टेबिलिटी ना हो। डेथ, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है सब कुछ, आपका रिश्ता बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। ड्यूलिटी, यहाँ पर है इनर जर्नी, आपकी एक इनर जर्नी स्टार्ट हुई, आप किसी इनर जर्नी पे हैं, ठीक है, आप किसी यहाँ पर इनर जर्नी पे हैं, आपके साथ एक इनर जर्नी चल रही है। न्यू डे, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू लेवल पे आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, न्यू डे, न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो बर्डन सब सिचुएशन थी ना, ये वक्त ये टाइम खत्म हो गया, वो 10-10 की एनर्जी, ये बर्डन का टाइम आपके पास एंड हो गया, ये आपको खुद भी फील हो रहा होगा, आप बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आप इस सिचुएशन में बहुत काफ़ी अरसे से हैं, काफ़ी सालों से हैं, तो अब आप फ्री फील कर रहे होंगे, अब आपकी लाइफ में इतना बर्डन नहीं है, जिस कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने बर्डन को अपने अपने कंधों पे से उतार दिया, मतलब कि आप इस चीज़ के लिए फ्री हो चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको इस कनेक्शन में जाना है या नहीं, ठीक है। प्रेसिडिंग को यहीं पर रखती हुई, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।